तो दोस्तों देखा जाए तो आज के दिन में इमेज एडिटिंग जो है बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से जो है इमेज को एडिटिंग करना आता है तो आपकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से इमेज को एडिटिंग करना है तो आपको ज़रूरत है एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की। और जैसे कि हम सभी को पता है, एक अच्छी प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना है तो उसको आपको परचेज करना है, मीन्स बहुत सारे पैसा उनमें जो है आपको इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन इनिशियल टाइम में हम कोई नहीं चाहते कि हम जो है इतना सारा पैसा जो है इन्वेस्ट करें। तो क्या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव वे है जिसकी मदद से हम जो है एक अच्छी फ़ोटो को जो है एडिट कर पाए, वो भी फ्री वाले सॉफ्टवेयर में? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आज आपको ऐसी 5 एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है एक इमेज को जो है बढ़िया तरीके से जो है एडिट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप प्रोफेशनली इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे मैं जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, इसका नाम है पिक्सर एडिटर। ये बेसिकली एक वेब एक्सटेंशन है, मीन्स गूगल क्रोम के साथ आपको इसको अटैच करना है और यह से जो है आप इजीली इसको ओपन कर पाएंगे। तो इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जैसे कि फोटोशॉप या फिर एक अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी इमेज को जो है अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी के साथ आप जो है इसको एडिट कर पाएंगे। और ये बहुत ही इजी टू यूज है, आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं और इमेज एडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही इजी टू यूज है। तो नंबर 2 मैं जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, इसका नाम है पिक्सआर्ट। जैसे कि आप अगर मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि मोबाइल में अगर एडिटिंग करना है तो पिक्सआर्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर भी तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो भाई मोबाइल के लिए अवेलेबल है, तो क्या ये हम जो है इसको अपनी कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल है और ये बिल्कुल फ्री है। और अब जो है प्रोफेशनली इसमें भी एक इमेज को जो है एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे पिक्सआर्ट को यूज़ किया है तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो है आप बिल्कुल सब कुछ जो है इजीली कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पीसी के लिए भी अवेलेबल है, सिंपल सा माइक्रो स्टोर में आपको जाना है और वहाँ से जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इनका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इस साइड पर बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट फिल्टर, बहुत सारी ऑप्शन आप यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो पिक्सआर्ट को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, इसका नाम है paint.net। ठीक है, इसका नाम ही है paint.net। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, सिंपल सा एक ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है। आप इसको इजीली इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारी सॉफ्टवेयर के जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो है डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेस भी बहुत ही कमाल की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जैसा होता है वैसा ही यहाँ पर है। इस साइड पर आप देख सकते हैं न्यू इमेज, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, इस तरह की आप कर सकते हैं। और ये ऊपर में भी फाइल एडिटिंग वगैरह सब कुछ जो है आपको ऑप्शन एक साथ जो है कंबाइन करके आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आप इजीली जो है किसी भी इमेज को जो है एक प्रोफेशनली अच्छी तरीके से जो है एडिट कर पाएंगे और आप इजीली इसको सेव कर पाएंगे। और ये बहुत ही कमाल की एक सॉफ्टवेयर है, आप जरूर इसको इस्तेमाल करना। तो नेक्स्ट जो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, इसका नाम है GIMP। GIMP बहुत ही प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर है, माना जाता है कि ये फोटोशॉप के ऑल्टरनेटिव एक सॉफ्टवेयर है। मीन्स अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, उसको आप परचेस नहीं करना चाहते, तो आप GIMP को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जैसे फोटोशॉप में भी मिलता है वैसा ही आपको जो है यहाँ पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है आप तरह तरह के इफेक्ट वगैरह सब कुछ जो है आप कर सकते हैं। मीन्स आप अगर प्रोफेशनली फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो GIMP को जरूर आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो नंबर 1 पे मैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, इसका नाम है क्रीटा। क्रीटा एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनली एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर भी आप प्रोफेशनली तरीके से जो है इमेज को एडिट कर सकते हैं। अगर आप इंटरफेस की बात करें तो आप यहाँ पर इंटरफेस देख सकते हैं, इंटरफेस बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर भी आप फोटोशॉप की तरह या फिर किसी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह आप जो है यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगी। इस साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है, ऊपर में भी है, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको जो है मिल जाएगी। तो आप अगर प्रोफेशनली किसी भी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो
आपको जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है आपको थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, तो आप अगर थोड़ा सा सीख जाते हैं तो आप भी इसको बिल्कुल आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको इजिली फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो 5 बेस्ट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज होना तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में वो जरूर बताइएगा। और लास्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Bye.